वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्णा। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बाल गोपाल का नाइट सूट बनाना सिखाया था, उसमें खाली हमने पार्ट वन में शर्ट बनाई थी। अब हम उस वीडियो के पार्ट टू में आपको उस शर्ट के साथ का पजामा और पग सिखाएंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा पजामा कैसे बनाना है अच्छे से समझ आ जाए। हमने ये पजामा 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है। हम इसकी लंबाई जो ले रहे हैं वो 8 इंच लेंगे। पहले सबसे पहले हमने 8 इंच पे मार्क किया है और इसकी जो चौड़ाई हमने लेनी है वो हमने 4 इंच रखनी है। तो इस तरह से हम 4 इंच पे मार्क कर देंगे। अब इसको बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर से भी इस मार्क को हम मिला रहे हैं, पूरा सीधे में हमें मिलाना है। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप स्केल रख के भी एकदम सीधी लाइन लगा सकते हैं। अब इसको हमें कट कर देना है। अब हमने ये जो कपड़ा कट किया है इसको हमें 4 तह में फोल्ड करना है। सबसे पहले इस तरह से हम एक तह फोल्ड कर रहे हैं इक्वल, इसके बाद एक और तह फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें पजामे की कटिंग के लिए मार्क लगाने हैं। सबसे पहले हम 1.5 इंच का हमारा जो आसन है इसमें 1/2 इंच हमें ऐड करना है, जहाँ पर ये फोल्ड होगा सिलाई में जाता है, इसलिए 2 इंच पे ऊपर से एक मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से 1/2 इंच हम छोड़ के ऊपर तक निशान लगा रहे हैं। इस तरह से इस निशान को मिला दीजिए और यहाँ से हल्का सा राउंड दिया है हमने। अब नीचे से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ हमने 1/4 इंच पे मार्क लगाना है। 1 इंच तो जो है वो पोंचे के अंदर चला जाएगा, पोंचे का निशान, और 1/2 इंच सिलाई के लिए हमने लगाया है, इसलिए हमने 1/4 इंच पे इसका मार्क लगाया है। अब इसको तिरछा हम मिला देंगे। बहुत इजी है पजामे की कटिंग करना और सिलना भी बहुत आसान है, बस इसके लिए इतने ही मार्क लगेंगे। अब इसको हम कट करेंगे। सबसे पहले जो हमने तिरछा मार्क लगाया था वो कट कर दिया, इसके बाद ऊपर की तरफ हमने जो निशान लगाया था आसन के लिए इसको हमने इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए कट कर दिया। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह आएगा जब दोनों कपड़ों को अलग करेंगे। ये पजामे की बीच में जो सिलाइयाँ लगनी है उसके लिए हमें जो ओपन साइड है इस तरह रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ आसन तक। अब सिलाई के अंदर जो हमें देना है एकदम ज़रा ज़रा सा ही दीजिएगा। कॉटन का कपड़ा है तो इसमें बहुत धागे भी नहीं निकलते, सिल्की कपड़े के निकलते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा दबा देना पड़ता है। इस तरह से हमने आसन तक सिलाई लगा ली है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी हमें आसन तक सिलाई लगानी है। इस तरह से अब इसको हम सेंटर में से पकड़ेंगे और पकड़ के इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से नीचे से दोनों लेग्स की सिलाई लगाएंगे और पोंचे भी फोल्ड करने हैं। सबसे पहले हमें नीचे की तरफ पोंचे फोल्ड करने हैं। इस तरह से टर्न करके 2 बार टर्न करके सिलाई लगा लीजिए दोनों पोंचों के लिए। इसी तरह दूसरे पोंचे की भी सिलाई लगानी है। टर्न करते हुए दूसरे पोंचे की भी सिलाई लगा लीजिए। इसके बाद ऊपर की तरफ हमने फट्टा फोल्ड करना है। इसके अंदर हमें इलास्टिक डालेंगे। अगर आपको मशीन पे दिक्कत आ रही है तो आप इसका हाथ से कच्चा करके भी फट्टा फोल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ जो ऊपर से फट्टा फोल्ड कर रहे हैं हमने इस तरह का बारीक इलास्टिक लिया है, एकदम ये तार टाइप का होता है। इसको इसके अंदर रखते हुए हम साथ में ही ये फट्टा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। जितना यहाँ पे फट्टा है उससे थोड़ा कम इलास्टिक लीजिएगा ताकि ये आराम से खींचा जाए। इस तरह बीच में इलास्टिक रखते हुए इसे हम टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये बहुत छोटे कपड़े होते हैं तो हाथ से भी अगर आप कर लीजिएगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि मशीन पर ही करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है।
देखिए हमने इलास्टिक डाल लिया है और आसन की सिलाई भी हो गई है। अब नीचे जहाँ हमने पोंचे बनाए हैं यहाँ पर लेग्स भी हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, वो उल्टी साइड पे ही लगेगी। हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं, इस तरह का आएगा पजामा। इस तरह से अब हम लेग्स पे फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। ये आप अंदाजे से हल्का हल्का इसका दबाव में दे सकते हैं। यहाँ से टर्न करते हुए दूसरी लेग तक जाके ये सिलाई कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब इसको सीधा कर लीजिए, ये पजामा बनकर रेडी है। इस तरह से ये शर्ट और ये पजामा बन गया है। अब इसके साथ की हम आपको पग बनाना सिखाएंगे। नाइट ड्रेस के साथ अगर आप कान्हा जी को कॉटन की ही पग वेयर करवाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें बिल्कुल गर्मी भी नहीं लगेगी। मुकुट की जगह आप ये पग पहनाइए उन्हें नाइट ड्रेस में। अब पग के लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। इसकी लंबाई कुल 5 इंच है इस तरह से और 1.5 इंच चौड़ाई है। अब इन दोनों पट्टी को मतलब एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड कर लेना है इस तरह से, दोनों साइड्स फोल्ड करके यहाँ पर, और एकदम सीधी सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। पहले एकदम सीधी सिलाई लगा लीजिए। हम इस कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से। अब हम टर्न करके एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे लास्ट तक, बस यहाँ एंड तक हमें सिलाई लगानी है। इसको हमने टर्न नहीं करना है, नीचे की साइड से अब हमें सीधा करना है इसको। सीधा करने के लिए आप इसे किसी पेन के साथ भी सीधा कर सकते हैं या जो कपड़े सिलने वाली सुई होती है उसके साथ भी इस तरह से सीधा कर लीजिए। और जो दूसरा कॉर्नर भी है उसे भी हम हाथ से कच्चा करके बंद कर देंगे। ये पग बनाना बहुत ही ईजी है, एकदम सिंपल सी पग बनानी है। इसके ऊपर कोई भी हैवी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पग नाइट ड्रेस के लिए यूज़ करनी है। अब इसको दूसरी साइड से बंद करने के बाद इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से टर्न करके एक दूसरे के ऊपर रखना है और बस सेंटर में इसको हम कच्चा करके बंद कर दीजिए। और इसके ऊपर आप चाहें तो जैसा हमने शर्ट के ऊपर गोल्डन मोती लगाया था उस तरह का ही गोल्डन मोती लगा दीजिए और इसे बंद करके ये सिंपल सी पग रेडी है। बस यहाँ सेंटर में हमें इस तरह से मोती लगा देना है, इस तरह से आएगी और पीछे से इसको पक्का कर दीजिए। इस तरह से देखिए पग बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही इजी है। इसे आप नाइट ड्रेस के साथ जरूर बनाइएगा कान्हा जी के लिए। ये देखिए कान्हा जी का नाइट ड्रेस बनकर रेडी है। आपको ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।